जी बच्चों, हम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11.6। 11.6 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने लगा हूँ। गिवन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। आई रिपीट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। हमने एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसके अंदर जो है हीट ना ही सिस्टम के अंदर ऐड हो ना ही वो निकले उसमें से, जबकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो बच्चों, हमने दो प्रोसेस पढ़े थे। एक प्रोसेस वो था जिसपे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, हीट चेंज होती है। एक वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, हीट चेंज नहीं होती। ठीक है, तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस हमारे पास था कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस वी कैन से दैट देर इज नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम बट देर हैपन वट चेंज इन टेम्परेचर। हम इसमें लिखेंगे दिस, उसने पूछा फॉर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, द प्रोसेस विल बी, आप अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपने लिखा हूं, द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक बिकॉज we know that in adiabatic process there is no heat, no q कह लें आप, no q एंटर और लीव द सिस्टम, एंटर और लीव द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सिस्टम चेंजेस। तो बच्चों, वो प्रोसेस हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, जबकि उसकी हीट जो होती है उसमें ना कोई हीट एंटर होती है और ना ही कोई हीट निकलती है सिस्टम में से। तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो ये अगर एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल में, बल्कि इतना ही काफी है, आप इसका आंसर इतना लिखो बस, आपने बताना है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज इवॉल्व और नो हीट इज एंटर। सो सच अ प्रोसेस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का हम करने जा रहे हैं वो है 11.7। 11.7 में क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.7, स्टेटमेंट इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। उसने पूछा इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यस इट इज पॉसिबल, हमने पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही, ठीक है, कि जब हीट जो है हम देते हैं यहाँ कह लें कि जब हमारे पास जो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, एक्चुअली हीट नहीं देंगे क्योंकि हीट ना कोई एंटर होती ना लीव होती है, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वही यूज होती है टू अपलिफ्ट, टू मूव द पिस्टन, टू मूव द सिस्टम या टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। यस इट इज पॉसिबल, इसका आंसर लिखेंगे हम, यस इट इज पॉसिबल इन एडियाबेटिक प्रोसेस वी नो दैट इन एडियाबेटिक प्रोसेस वी नो दैट डेल्टा क्यू और क्यू इज जीरो बट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये जो यू होता है हमारा, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो
वो चेंज होती है किसके अंदर, मैकेनिकल फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जबकि नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रही है हमें कि कोई ना कोई वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द इंटरनल एनर्जी, यानी वर्क डन जो है नेगेटिव साइन जो है वो शो करती है कि हमारी जो सिस्टम है वो मूव किया, उसमें एक्सपेंशन आई है, गैस अलाउ जो है उसे हमने अलाउड किया गैस को कि वो एक्सपेंड करे, ठीक है। तो इसको आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो, इट मीन्स द नेगेटिव साइन इन इट इज यस इट इज पॉसिबल इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वी नो दैट डेल्टा क्यू इज जीरो बट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ सम इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो आप यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो एक्सपेंडिंग ऑफ अ गैस, एक्सपेंडिंग ऑफ द गैस, ठीक है। और ये हमारी जो है नेगेटिव साइन भी इससे शो करती है। ओके, अगर हम अब इसकी बात करते हैं कि अगर हम एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो है हमारी हीट जो है चेंज नहीं होती उसकी, ना हीट एंटर होती है ना लीव होती है, जबकि सारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कुछ ना कुछ यूटिलाइज होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क के अंदर, और वो एट द एक्सपेंस और एट द कॉस्ट ऑफ द सम इंटरनल एनर्जी जो है कोई ना कोई मैकेनिकल फॉर्म जो है वो होती है किसकी, इंटरनल एनर्जी की, वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल को देखें, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो गैसेस जो है हम जो अपना प्रोसेस होता है लिक्विफिकेशन का, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गैसेस प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, गैसेस प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, उसने कहा कुछ एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप इसकी एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो कि जब हमारा हीट इंजन है जो आपके गाड़ियों के इंजन होते हैं उसके अंदर जो पिस्टन की मूवमेंट होती है बैकवर्ड जो मूव करता है वो भी क्या होता है, और हीट इंजन के अंदर भी यही होता है ना कि जो गैस होती है वो हीट अप होती है, एक्सपैंड होती है और पिस्टन को मूव करती है, ठीक है। वो पिस्टन जाके एक्सल के ऊपर हिट करता है और एक्सल को रोटेट करता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सच प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू सम मैकेनिकल फॉर्म एनर्जी और मैकेनिकल वर्क।